नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम छोलो आसमान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो एक छोटे से गांव से आती हैं। उन्होंने जिद की कि आसमान को छूना है और आसमान को वो छू कर रही। हालांकि अभी उनकी उड़ान अभी बाकी है, कोशिश अभी जारी है और भी उन्हें आसमान की और भी ऊंचाई तक जाना है। हमारे साथ मौजूद है मेघा परमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाल ही में मेघा यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत एल्ब्रुस पर्वत को चढ़कर आई है। आपको बता दें कि इससे पहले 2.5 महीने पहले वो मध्य प्रदेश से माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने पहुंची थी और वहां पर भी वो फतह हासिल करके आई थी और अब उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी को छू लिया है। मेघा, सबसे पहले तो हम आपकी जर्नी के बारे में ही जानना चाहेंगे कि वो जिद जो आप में आपके अंदर थी, एक जिद थी, उसको आपने कैसे कायम रखा और कैसे आप वहां तक पहुंची? हम लोग जब गांव के बच्चे होते हैं ना, तो उनकी परवरिश हमेशा विपरीत परिस्थितियों में होती है, तो ये जिद तो वहीं से स्टार्ट हो जाती है। और मेरे सिर पर बहुत सारे चोट के निशान दिख रहे होंगे, तो बचपन से एडवेंचर का शौक तो पहले से ही था, पर वो पता नहीं था कि किस एडवेंचर फील्ड में मैं जाऊँगी, तो वो बाद में पता चला। मुझे हमेशा ये था कि मुझे कुछ करना है, पर वो कुछ मिल नहीं रहा था। फिर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में मैं जब पढ़ाई करती थी तो मैं NSS की वॉलेंटियर थी और मैंने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मालदीव में। जब तब मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आया था और मैंने खुद की पीठ थपथपाई थी, शाबाश, सच में मैं कुछ कर सकती हूँ। जब हम हमारे देश को किसी जगह रिप्रेजेंट करते हैं तो खुद का आत्मविश्वास बढ़ता है, पर उस समय भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा था कि वो करना क्या है, आखिर मैं करना क्या चाहती हूँ। तो मैंने 2016 में सबसे पहले अखबार में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश के दो युवाओं ने, मतलब दो लड़कों ने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है, तो वो कुछ जो था वो मुझे उस दिन मिल गया था कि जब मध्य प्रदेश के दो लड़के कर सकते थे, लड़की क्यों नहीं कर सकती, वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती। तो वो चीज़ सोच तो ली थी, पर मुझे माउंटेनियरिंग की ABCD भी उस समय पता नहीं थी कि माउंटेनियरिंग कितनी टफ होती है, कितने चीज़ें चैलेंजेस उसमें आते हैं। उसके बाद फिर स्टार्टिंग होती है और जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से, बिल्कुल जुनून से चाहने लग जाते तो धीरे धीरे रास्ते खुलते जाते हैं अपने आप। मतलब एक पर्वतारोही बनने का जुनून था मेघा आपके सर में और आपने उस अपने जुनून को पूरा किया। हाल ही में अभी आप एल्ब्रुस पर्वत को चढ़कर आई हैं, उसका सफर कैसा था उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। माउंट एल्ब्रुस यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है, हमारे सातों महाद्वीप के एक एक हाईएस्ट माउंटेन है, तो ये यूरोप का हाईएस्ट माउंटेन है। मैं एवरेस्ट करके आई थी तो मुझे लगा था कि अरे माउंट एल्ब्रुस तो मेरे लिए ईजी होगा, इसकी हाइट बड़ी कम है। पर मैंने इस बार जो सीखा, जो अनुभव मैंने देखा, जैसे हर एक व्यक्ति अपने आप में विशेष होता है, वैसे ही हर पर्वत अपने आप में विशेष होता है। उसकी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं और किसी भी पर्वत को आप कम नहीं आंक सकते। माउंट एल्ब्रुस के समिट में मुझे पूरे समिट से वापस आने में पूरे 14 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा और मैंने ये खुद ने महसूस किया कि हर एक माउंटेन का समिट बहुत टफ होता है, ईजीली आपको कुछ नहीं मिल सकता। मेघा, उसकी ऊंचाई कितनी थी, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, वो सब हमें बताइए। माउंट एल्ब्रुस पे हाइट तो उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, पर वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है, विंड बहुत ज़्यादा है और आप वेदर का कह नहीं सकते कि अगले 10 मिनट बाद यहाँ विंड होगा, स्नोफॉल होगा, क्या होगा, या पूरा फॉग हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है माउंट एल्ब्रुस को क्लाइम करने में, वो विंड और वेदर की आती है, जिससे फ्रॉस्ट बाइट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हाइपोथर्मिया के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब फ्रॉस्ट बाइट होने पर आपकी उंगलियां कट तक कर दी जाती हैं, तो ऐसी चीज़ें भी वहां पर होती हैं, कई बार होती हैं। मेघा, जब आपके साथी भी आपके साथ गए होंगे बहुत सारे, आप लोगों ने जो काफ़ी सारी मुसीबतों के बारे में जिस प्रकार से आप हमें बता रही हैं कि कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, उंगलियां गल जाती हैं या सांस से संबंधित तकलीफें हो जाती हैं, या फिर आपका एक किस्सा हमें याद है कि आपने बताया था जब आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए गई थी, सिलेंडर आपका खत्म हो गया था, वो किस्सा एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए। वो तो ऐसा था, लोग सोचते हैं ना कि मौत जब आती होगी तब कैसा फील होता है, आपको पता कैसे चलता है कि आप मर रहे होते, तब आपको क्या फील होता है और ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी होती है, ये मुझे उस समय फील हुआ था और पता चला था कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। मैं जब कैंप 3 कैंप 4 से समिट के बाद आ रही थी और मेरा ऑक्सीजन बीच रास्ते में ख़त्म हो गया था और कई लोग फिर मुझे क्रॉस करके जा रहे थे क्योंकि ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था, तो मुझसे एक कदम भी नहीं बढ़ाया जा रहा था क्लाइंबर, जैसे मैं लेटी हुई हूँ और कई क्लाइंबर मुझे क्रॉस करके जा रहे हैं और मेरे गले की सारी नसें जो थी वो खिंच रही थी, हाथ पर पूरे कड़क हो रहे थे और हर शरीर के हर रोम छिद्र से
ऐसा लग रहा था कुछ लिक्विड सा निकल रहा है, और सिर्फ उस समय से वो आपके अपने आप को याद आते हैं। मैंने खुद ही अंदर वादा किया था, भगवान जी आज बचा लीजिए, प्लीज़ आज बचा लीजिए, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म मम्मी पापा या मेरे, कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं। और सडनली मेरे शेरपा के दोस्त वहाँ से गुजर रहे थे, तो उनके पास थोड़ी ऑक्सीजन थी और उन्होंने वो ऑक्सीजन बॉटल चेंज करी, और मुझे उस समय मेरी ज़िंदगी की सबसे गहरी और सबसे कीमती सांस मिली थी। और मैंने अपने आप से दो वादे किए थे हमेशा कि मैं ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है, तो मुझे पता चला था कि मैं प्लांटेशन करूँगी। दूसरा, मेरी किसी ने ऐसी टाइम पर मदद की है कि जब मैं ज़िंदगी मौत से लड़ रही थी, मुझे एक तरह से जीवन दान ही दिया है, तो मेरी जीवन में मेरी जितनी क्षमता होगी, मैं जिसको भी मेरी जरूरत लगेगी, मैं हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहूंगी। मतलब आपने एक वो मुश्किल दौर भी देखा जिससे जिसको जूझने से ही एक बड़ा समस्या लगता है, उसको देखने से ही लगता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, आप वो दौर से भी गुजरी हैं। तो आप बाकी जो पर्वतारोही है जो चढ़ना चाहते हैं पहाड़ों पर या जाना चाहते हैं ऊंची चोटी पर, तो उनको किस तैयारी के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगी कि कैसे तैयारियों के साथ में जाएं? जो कमी मेरे साथ हुई थी मैं बताना चाहूँगी कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। 2018 में मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए गई थी, और उस समय शायद मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए मेरा 700 मीटर बच गया था। जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो शारीरिक मानसिक सब तरह से आपको बिल्कुल तैयार होके जाना पड़ेगा। तैयारी आपकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। कुछ माउंटेनियरिंग के कोर्स होते हैं, वो आप करके जाइए। फिजिकल फिटनेस तो फिर भी 30% माउंटेन पे काम आती है, बाकी 70% जो काम आता है वो होता है प्रकृति आपके साथ होना चाहिए। दूसरा, आपकी मेंटल पावर, क्योंकि हम जब चलते हैं हर पल हमारा शरीर हमको बोलता है कि मैं थक गया हूँ, मैं नहीं चल सकता हूँ, और उसी समय आपको आपके दिमाग को बोलना है कि नहीं, मुझे जब तक अपने लक्ष्य के पास पहुंचूंगा नहीं तब तक मुझे रुकना नहीं है। पूरा काम उस समय हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। मतलब कहना चाहिए आप उस समय एक घायल शेरनी थी जो आपने खुद से एक वादा किया कि नहीं, एक बार मैं हार कर आई हूँ, अब दोबारा जीतना है। मेरे को क्या कमी रह गई थी? आप 2018 में भी क्लाइंबिंग के लिए गई थी, लेकिन क्या हुआ था उस समय जब आपको वापस लौट के आना पड़ा था? मैं बालकनी से ऊपर 8100 तक मैंने क्लाइम किया था, और मेरे शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं बची थी और बहुत वीक थी, तो मैं बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रही थी। तो कुछ समय बाद शायद मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म हो जाता, तो मेरे शेरपा ने कहा नहीं तुम डिसेंड करो, और केवल 700 मीटर मतलब मुझे दिखाई दे रहा था मेरा टारगेट, और मेरे शेरपा मुझे लेकर आ गए। पूरे साल पूरा टॉर्चर झेलना पड़ा मुझे, और मैं ज़बरदस्ती ट्रेनिंग के लिए चली गई एक जगह पर, और वहाँ 10 फीट से मेरा फॉल हुआ था और मेरी रीढ़ की हड्डी 3 जगह से टूट गई थी। शायद आपको बताया था मैंने कि फ्रैक्चर्स के बाद और ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, लोग और ताना देने लग गए थे, खुद अंदर से टूटती चली गई थी। जब नवंबर में रिकवरी हुई उसके बाद जो आपने शब्द उपयोग किया घायल शेरनी, और मैं मूवीज़ बहुत देखती हूँ और मैंने खुद के लिए एक डायलॉग बनाया था कि अब जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं इस बार जब एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही थी या माउंट एल्ब्रूस को क्लाइम कर रही थी, तब भी मैं अपने आप से हर बार थकान होती है, हम रुकते हैं, शरीर बोलता है कि अब एक कदम आप नहीं रख सकते हो, पर अंदर ही अंदर अपने आपको अंदर ही अंदर बोलना पड़ेगा कि जब तक कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक छोड़ूंगा नहीं चाहे जो हो जाए। और आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य के पास धीरे धीरे चल के पहुँच ही जाएंगे। उस पहुंचने के बाद जो फीलिंग होती है वो शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। जी बिल्कुल जी, आपने बताया कि एक समाज की हमारी विडंबना भी है कि अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो आपको तारीफ भी मिलती है, और अगर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो शायद आपको ताने भी भरपूर मिलते हैं। तो किस तरीके की चीज़ें आपको झेलनी पड़ी थी उस समय मेघा? एक साल आपने बताया कि आप मेंटली टॉर्चर एक प्रकार से आपने झेला, काफ़ी लोगों की ताने, बहुत कुछ आपने झेलना पड़ा, क्या कैसा दौर था वो मेघा? सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम तभी से हो गई थी जब मैंने ये एवरेस्ट का सपना देखा था, क्योंकि मैं गांव से आती हूँ तो वहाँ सबसे बगावत करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है अपने आप, सब लोग एक तरफ हो जाते हैं। पर मैंने जो फील किया है कि जब आपके मम्मी पापा आपके साथ हो तो फिर जमाना कुछ भी गए, आप इस कान से निकालो उस कान से, तो इस कान से सुनो उस कान से निकालो, ये चीज़ हमेशा आपकी लाइफ में उतार के रखिए आप, फिर आपको कुछ भी आप कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। 2018 में मेरी फिजिकल फिटनेस नहीं थी, कई लोगों के पास मैं स्पॉन्सरशिप लेने के लिए गई थी, तो वो उन लोगों का पहला ही डायलॉग ही होता था गांव से आने वाली लड़कियां सलवार सूट पहनने वाली लड़कियां भी एवरेस्ट चढ़ने लगी तो बस फिर हो गया इस देश का उद्धार, तो ऐसी चीज़ें भी सुनने को मिली थी। और कई जगह स्पॉन्सरशिप के नाम बिल्कुल पैसे, लड़की तुमने 18 लाख तुम्हारी ज़िंदगी में कभी देखे, ये चीज़ें भी सुननी पड़ी थी। पर धीरे धीरे आप लगे रहे,
2018 में मैं एवरेस्ट गई और उसके बाद एवरेस्ट ना होना, फिर सारे लोग आपके अपोजिट हो जाते, कोई एक व्यक्ति भी आपके सपोर्ट में नहीं खड़ा होता है, और उस समय आपको आपका आत्मबल बढ़ा के रखना पड़ता है, सारी दुनिया आपके अपोजिट हो जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि वो हर एक की लाइफ में ऐसे पड़ाव कहीं ना कहीं आते होंगे, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हिम्मत हार जाते होंगे, तो मैं उनको भी हमेशा यही बोलती हूँ कि ये आया है, इससे अच्छा और आएगा, जैसे मेरी लाइफ में आया, जो मैं अब रिपीट करके देखती हूँ। उस समय बस हमें थोड़ी सी हिम्मत रखनी चाहिए, लोगों ने मुझको भी ताना मारा कि अरे इतने पैसे लगाए एवरेस्ट नहीं कर पाई, फिर जब रीढ़ की हड्डी टूट गई तो एक ही डायलॉग होता था, कमर टूटी छुरी से कौन ब्याह करेगा। तो हमारे समाज में इस तरह की चीज़ें भी आती हैं, पर जब मेरा एवरेस्ट सक्सेसफुल हुआ और मैं एमपी की फर्स्ट वूमन बनी, तो वही समाज आपके पीछे आके आपकी तारीफ करने लग जाता है। तो आप बस कठिन समय में हिम्मत मत हारिएगा, जो लोग आपकी बुराइयां करते हैं वो एक दिन आपकी तारीफ करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब वो डायलॉग एक बार फिर से दर्शकों को भी रटवाना चाहूंगी मेघा का, जब तक चढ़ूंगी नहीं जब तक छोड़ूंगी नहीं। बिल्कुल मेघा, आपने माँ बाप का आपने जिक्र किया, आपको देखकर ही लगता है कि काफी सपोर्टिव है, एक हिम्मत का काम करते हैं आपके लिए, किस तरीके से उन्होंने शुरुआत से ही आपका सपोर्ट किया और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में आपकी मदद की, उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है आपकी लाइफ में, और मैं मानती हूँ कि प्रतिभा तो हर बच्चे में होती है, कुछ ना कुछ अलग होती है, उसका अवसर देने वाले लोग चाहिए होते हैं। मुझे एक ऑफिसर मिले और मेरे पेरेंट्स मिले, जिनकी मैं हमेशा जब चाहूँ तारीफ कर सकती हूँ कि उन्होंने ही मेरी जिंदगी को बदल दिया। तो मेरे पापा ने जब मैं गांव से निकली, जब एक ही चीज़ बोली थी अपनी गांव की भाषा में कि देख बेटा तू जो भी करे या सोच के कर जे, तू अच्छो करेगी तो भी मारो नाम आएगो, तू बुरो करेगी तो भी मारो नाम आएगो, तो तू जो भी करेगी वो मारो नाम आएगो, मतलब मेरा नाम उससे जुड़ेगा। तो बेटा तुम ऐसा कुछ करना कि मेरा नाम हमेशा गर्व से ऊँचा हो। तो हर पेरेंट्स अपने बच्चे से यही चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं विश्वास तो करते हैं, बस थोड़ा सा डरते हैं, पर आप उनको विश्वास दिलाइए कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप सबके पेरेंट्स हमेशा आपका साथ देंगे। यहाँ पर मेघा के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि हाल ही में मेघा मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस मेघा। थैंक यू सो मच मेघा। वही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आप अपनी मंजिल की ओर जाते हैं, मतलब की जब पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर होते हैं, तो क्या फील होता है वो अंदर से, आप कैसी वो भावनाएं होती है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। उसके लिए तो आपको भी पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जब टॉप पे पहुंचते हैं, तो वो फीलिंग तो हम शब्दों में बयान नहीं कर पाते कि हम फील क्या कर रहे हैं, पर मैं फिर भी बताना चाहूँगी कि हम सुनते हैं बचपन से कि दुनिया गोल है, पर हम देखेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा। तो जब हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे होते, तो हमें कर्व सा दिखाई देता है, एकदम गोलाकार। तो दुनिया गोल है पहला सबूत हमें वहाँ मिलता है, और एक मन में फीलिंग आती है कि आज मुझसे ऊपर कुछ नहीं है, या तो आसमान है या फिर भगवान है। और वो गाना हमेशा याद आता है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। तो यही वाली फीलिंग रहती है जब हम इतनी मेहनत के बाद अपने लक्ष्य को पाते हैं और फाइनली पा लेते, तो वो खुशी हम शेयर नहीं कर सकते पर महसूस जरूर कर सकते हैं। मेरा इसी से जुड़ा एक और सवाल है, जब आप ऊपर चढ़ते क्लाइंबिंग करते हैं, तो ऐसी स्थितियां भी जब आती हैं जब आप लोगों का आत्मविश्वास भी कभी डगमगा जाता होगा, जब आत्मविश्वास भी काम नहीं आता, तब उस समय पर क्या काम आता है, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। दृढ़ इच्छा शक्ति। होता ये है कि मेरे जैसे या बहुत सारे ऐसे क्लाइंबर होते हैं जो माउंटेन क्लाइंब करने का सपना लेकर आते हो, माउंटेनिंग ईजी नहीं होती, कभी भी प्रकृति आपको कुछ भी कर सकती हो, पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है। तो जब हम माउंटेन पे जाते हैं कैंप 3 के बाद, कुछ डेड बॉडीज़ को आप क्रॉस करते हैं, क्योंकि कई क्लाइंबर्स की डेथ हो जाती है वहाँ, और उनकी डेड बॉडीज़ को नीचे नहीं लाया जाता है, डेड बॉडीज़ वहीं होती है, और आप उन्हें क्रॉस करते हो। और कैंप 4 में जब डेड बॉडीज़ के बीच में आपका टेंट लगा हुआ होता है, तो अच्छे से अच्छा क्लाइंबर हो या कोई भी हो, हर एक के मन में एक डर तो आ ही जाता है, और सोचना आ ही जाता है कि पता नहीं इसकी जगह कल मैं हूँ। तो उस समय एक ही चीज़ आप सोच के रखिएगा कि नहीं, मुझे अपने लक्ष्य को पाके जिंदा वापस जाना है। तो फिर सब कुछ अपने आप होता जाता है, जिस दिन आप हिम्मत हारे प्रकृति भी आपका साथ छोड़ देती है, भगवान भी आपका साथ नहीं देते, जब तक आप खुद खुद के लिए मेहनत नहीं करोगे। मतलब दृढ़ इच्छा शक्ति ही उस वक्त पे काम आती है। हाँ जी बिल्कुल जी। मेघा, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप छोटे से गाँव से आती है, काफ़ी सारी बाउंडेशंस होती हैं गांव में, लेकिन अब आप बहुत कुछ कर चुकी हैं, देश में विदेश में हर जगह अपना नाम कमा चुकी हैं, तो अब आपके गांव में कैसा माहौल है, लड़कियों के लिए क्या वहां पर बदलाव नज़र आए हैं आपको?
जी बिल्कुल, सबसे बड़ी चीज़ तो तब वंडर हो गया था जब मैंने अपने लंबे लंबे से बाल को कट करवाया था तो आप सोच सकते हैं गाँव में बालों का कितना महत्व होता है, और आप अपने सपनों के लिए बाल कटवा देते तो सारे लोगों के अलग ही अलग विचार आपके पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा ये है कि मेरे पापा जी जो कहते थे और जो मैंने महसूस किया है कि किसी एक बच्ची के, जैसे कल्पना चावला है या लता मंगेशकर हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा किया, यदि हम में से कोई एक लड़की अच्छा करती है तो समाज, परिवार दूसरी बच्ची को भी अवसर देना शुरू कर देते हैं, और यदि कोई गलत करता है बाई चांस तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के और समाज के मन में भी ये ख्याल आ जाता है कि पता नहीं ये ऐसा करेगी तो आप सभी लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप हमेशा अच्छे काम करेंगी तो आप खुद की तो ढाल बनेंगी, साथ ही जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली बच्चियां हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी, साथ ही आपकी आज़ादी को देखकर, आपकी सफलता को देखकर समाज भी उन्हें भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। चलिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी सीख आपने दी है, जो अक्सर अपने आप को कमज़ोर समझ लेती हैं, कमज़ोर बिल्कुल नहीं है वो, आप आगे बढ़े, समाज भी आपका खुद ब खुद आपकी पहचान देख के, आपकी सफलता देख के आपके पीछे आ ही जाएगा। तो मेघा, आपने माउंट एवरेस्ट में जीत हासिल कर ली, वहाँ आपने अपना तिरंगा लहरा दिया, अब माउंट एल्ब्रस में आपने अपना तिरंगा लहरा दिया, अब और आगे क्या बचा है? जैसे मैंने आपको बताया कि सातों महाद्वीप के एक हाईएस्ट माउंटेन है, तो मैं अभी मेरे पांच माउंटेन्स और बचे हैं, और जल्दी ही शायद दुआ कीजिए वो सक्सेसफुल हो तो मैं पूरे विश्व के सातों महाद्वीप के सातों माउंटेन को क्लाइम करूंगी, और फिर मुझे चिड़िया की तरह उड़ना है तो मैं स्काई डाइविंग करना चाहूँगी, मुझे मछली की तरह पानी के अंदर जाना है तो मैं स्कूबा डाइविंग करूँगी, मतलब जहाँ जहाँ रिस्क है और जहाँ जहाँ आपको आपकी ज़िंदगी की अहमियत पता चले वो सब काम मैं करना चाहूँगी। मैं किस्सा बताना चाहूँगी कि मुझे कैंप टू में जब हम पहुँचते हैं तो हम बिल्कुल थके हारे होते हैं, और जब हमारा मेरा दिमाग में जब एक ये ख्याल आया था कि कैंप टू में पहुँचने के बाद हम बिल्कुल धराशायी हो जाते हैं कि बस अब एक हाथ भी हमसे नहीं उठ रहा है, तो एक चीज़ मेरे मन में उस समय आई थी, और अभी 15 अगस्त आ रहा है और जवानों के प्रति इज्जत उस समय और ज़्यादा बढ़ गई थी कि हम जाने के बाद गिर जाते और एक ग्लास पानी तक नहीं उठा पाते, और हमारे जवान उतनी ही हाइट, ग्लेशियर हो गए, सियाचिन ग्लेशियर हो गया या किसी भी देश की बॉर्डर हो गई, वहाँ क्लाइम करते हैं, पहले वहाँ जाके हथियारों से लड़ाई करते हैं और विजय हासिल करते हैं, तो उनके लिए उस समय इज्जत और बढ़ गई थी। जी बिल्कुल मेघा, हमारे जवान देश की रक्षा तो करते हैं, उनसे अगर एक बड़ी सीख लेनी है तो हमें उनसे ज़रूर एक सीख लेनी चाहिए। मेघा, अभी आपने बताया कि अब आप पाँच माउंट पर भी और जाना चाहेंगे, अलग अलग जगह होंगे महाद्वीप के, तो उसकी किस प्रकार से तैयारी करेंगे आप? हर एक माउंटेन अपने आप में विशेष होता है, और माउंट डेनाली जो है वो बहुत सबसे एवरेस्ट से भी टफ माउंटेन माना जाता है, उसके सक्सेसफुल रेशियो सिर्फ 2% है, तो उसके लिए मुझे फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान देना है, डेली योगा करना है, क्योंकि माउंटेन में 30% सिर्फ फिजिकल फिटनेस काम आती है, बाकी पूरी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है, तो मैं उसी पे काम करूँगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है गिव अप ना करना, वो चीज़ हमेशा मेरा जो डायलॉग है मैं हमेशा याद रखूँगी और बोलती रहूँगी, जब तक पानी लूँगी या जब तक चढ़ने जाऊँगी तब तक छोड़ूंगी नहीं चाहे जो हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतने सारे अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, और वाकई आप लोगों की आदर्श बन के उभरी हैं कि जब तक आपका डायलॉग हमें भी याद हो चुका है, जब तक चढ़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी। थैंक यू। तो आज हमने आपको मिलवाया है मेघा परमार से, जो हाल ही में एल्ब्रुस पर्वत को चढ़कर आई है, वहां पर अपना तिरंगा लहरा कर आई है। तो मेघा ने एक जिद की है और उस जिद को अपना पूरा किया है। जिद करो, दुनिया बदलो, ये आप पर भी लागू होता है, अगर आप भी कोई सपना देखें तो उसे पूरी शिद्दत से पाएं, वो पूरा भी जरूर होगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।